तो ये किशनगढ़ के रावण है, ये तीन रावण खड़े होंगे यहाँ पर। अभी ये बीच में रावण लग रहा है और शाम को इसको दहन किया जाएगा। ये रावण इसलिए लगाया जाता है कि इन्होंने जो सीता माता को हरण किया था, ये उन लोगों को एक वार्निंग है कि आप लोग किसी पराई स्त्री पर नज़र डालोगे तो आपका भी हर्ष यही होगा, दुनिया के आगे जलाया जाएगा आपको। माना कि ये बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, पर इन्होंने एक जो गलती की, उस चीज़ को दिखाने के लिए दुनिया को कि हाँ अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। ये देखिए यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, किशनगढ़ में है ये, प्रॉपर शाम के टाइम आपको मेला भी दिखाया जाएगा। और शाम को मैं इसकी वीडियो भी कवर करूँगा कि जो रावण दहन होगा पूरा का पूरा आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर रामलीला हो रही है इस साइड, ये रामलीला मंच है जहाँ पर रोज रामलीला होती, यहाँ पर लोगों की सिटिंग है और यहाँ पर इस साइड रावण जलाया जाएगा। एक जो पुतला, ये रावण का पुतला है, इसके अंदर पटाखे वगैरह लगाए हुए हैं अच्छे से, और ये शायद कुंभकर्ण है, ये मेघनाथ और ये रावण को लटाया हुआ है अभी, ये भी खड़ा किया जाएगा। प्रॉपर रस्सियों से इसको होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर इसको खींच रहे हैं ताकि ये गिरे नहीं, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। रुकने की ना है, एक बार खुल गई तो गई नीचे। ये भाई साहब खड़े हुए हैं ढील छोड़ के, क्रेन मंगाई हुई है इसको खड़ा करने के लिए, देखिए इसको बांध रखा है ताकि इजी तरीके से इसको खड़ा किया जा सके। सर कितने पटाखे वगैरह लगाए हुए हैं, ये शाम को जलाया जाएगा तो इसके अंदर पटाखों की जो आवाज होगी उससे पूरा किशनगढ़ गूंज जाएगा। देखिए इसके अंदर कितने पटाखे लगाए हुए हैं, मजा आने वाला है। अगर आप किशनगढ़ के आस पड़ोस में रहते हैं तो ये आपको बहुत इन्जॉयमेंट वाला टाइम होगा जब ये फटे, इसमें जब आग लगाई जाएगी। अभी ये रावण साहब लेटे हुए हैं और इन्हों के भाई और बेटे को खड़ा कर दिया गया है। शाम को मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, आप लोगों को पूरी इसकी जो इसको दहन किया जाएगा उसकी भी वीडियो आएगी आप लोगों के आगे। और अगर आप किशनगढ़ के आस पड़ोस में रहते हैं, बसंत कुंज साइड रहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। ये एक दो दिन और रहेगा मेला, जहाँ पर आपको बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये इसको होल्ड करने के लिए, इसको रस्सा बांधने के लिए कील ठोकी जा रही है ताकि ये भाई साहब जो हैं ये गिरे नहीं किसी के ऊपर। तो अब रावण को खड़ी करने की बारी आ गई है, रावण साहब हमारे लेटे हुए हैं, इनको भी अब खड़ा किया जाएगा। ये लोग खड़े हुए हैं जो कार्यकर्ता हैं, सारे हेल्प करवा रहे हैं। और ये क्रेन जो मेन जो फोर्स लगाएगी वो मेन क्रेन से लगेगा, क्रेन बुलाई गई है इसको उठाने के लिए। तो खड़े हो चुके हैं भाई बंधु इनके, एक बेटे साहब हैं इनके और एक भाई हैं जो खड़े कर दिए गए हैं। ये देखिए कंधा दिया जा रहा है इनको, ये उठाकर इनको उस प्लेस पे लेके जाएंगे जहाँ पर इसको जलाया जाएगा, जहाँ पे खड़ा किया जाएगा इसको, उसी एरिया में लेके जा रहे हैं। ये भाई इसकी टांग लेकर आते हुए, दोनों टांगे डाल दी जा रही है इनकी, थोड़े फैंसी टाइप के हैं, रेड रंग की इनों की जो
पजामा कह लो या कुछ भी कह लो। काम कर। आजा 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 आजा। ये रावण साहब खड़े हो चुके हैं अब, और इनको होल्ड करने के लिए अब रस्सियों का सहारा लिया जाएगा। एक को गांठ मारी जाएगी यहाँ पर, ये कील ठोकी जा रही है इनके लिए। ताबूत में जो कीलें गड़ती हैं वही समझ लो इसको, और इसके बाद इसको बांध दिया जाएगा इन रस्सियों के सहारे। एक वहाँ पर है, एक यहाँ पर गड़ेगा, और एक यहाँ पर भी होल्ड किया हुआ है भाइयों ने। तो ये तीन रावण हैं, तीन जो भाई हैं, ये एक बेटा है इनमें से, एक रावण साहब ये हो गए, और इनके भाई ये हो गए, और एक ये हो गए। तो ये तीन जो पुतले हैं जलाए जाएंगे। ये रामलीला मंच है जहाँ पर रामलीला होती है, और यहाँ पर ये भाई साहब को खड़ा किया गया है। तो ये तीन पुतले खड़े कर दिए गए हैं जो मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के नाम से, इनको आज दहन किया जाएगा। और ये यहाँ पर जो ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारे, ये बच्चों के लिए झूले, छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं, और बड़ों के लिए भी लगाए हैं। ये अगर आपको पीछे दिख रहा हो, पेरिस व्हील लगा हुआ है, और एक ड्रैगन करके जो झूला होता है वो भी लगाया गया है। तो प्रॉपर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। दो तीन दिन चलेगा मेला, और यहाँ पर दशहरे का जो फंक्शन है वो भी किया जाएगा। अब हम आ गए हैं सही जगह पे, और ये रावण साहब हमारे
Thank you.